आप जो भी करते हो एकदम बेस्ट करते हो, बट एक चीज में आप अच्छे नहीं हो, किस में? एज पर जैक, वी आर रियली एक्साइटेड टू हैव यू कांशा। हम लोग पूरी इलो इलो कम्युनिटी एक्चुअली बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, वी वर वॉचिंग फॉर यू। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम लोग बहुत ज्यादा माने कि आकांक्षा आएंगी लाइफ पर आएंगी, बट ऑफकोर्स ये नहीं इतनी उम्मीद थी कि इतनी जल्दी आ जाएंगी। यार मुझे भी नहीं लगा था कि मैं इतनी जल्दी आ जाऊंगी, 2 हफ्ते में मैं एक लंबी जर्नी एक्सपेक्ट कर रही थी, बट हियर आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड एंड बट ठीक है, जितनी भी जर्नी थी काफी एक्साइटिंग थी, बहुत सारे धमाके तो कर ही दिए आने से पहले। This is not an interview, to be honest. This is more like a podcast. हम लोग यहाँ पे chill करेंगे। कुछ questions होंगे audiences के, कुछ questions। हाँ, interviews तो बहुत हो गए। अब मैं थोड़ा chill करना चाहती हूँ and 15 दिन भी मैंने बिल्कुल chill नहीं किया। तो I hope आज हम यहाँ सबके साथ थोड़ा सा chill करें। Actually आपने काफी जगह पे already बोला कि आप disappointed थे कि ये हुआ। What do you think, क्या better हो सकता था? Yeah, definitely Big Boss के end से बहुत 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 ज्यादा better हो सकता था, क्योंकि जब मेरी एंट्री हुई, जब मैं स्टेज पे थी, तब से ही मुझे बिल्कुल अच्छी वाइब नहीं आई। बहुत ही टारगेटेड फील किया मैंने, इतने सारे हैशटैग्स तो मुझे स्टेज पे ही मिल गए और कोई मुझे कह रहा बहुत परफेक्ट हो, बहुत ज्यादा रिहर्स्ड हो, जैसे आप बात करते हो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट साउंड करते हो, पिक्चर परफेक्ट हो, फ्लॉलेस हो, ये सब मुझे जितने पैनल ऑफ जजेस सामने बैठे हुए थे स्टेज पे उन्होंने बोला। और उसके बाद उन्होंने बोला कि जनता ने तो आपको तीसरी रैंकिंग दी है थर्ड नंबर पे, पर फिर भी हम आपको घर के अंदर नहीं भेजेंगे, क्योंकि हमें लगता है इतना परफेक्ट कोई बिग बॉस मटीरियल कैसे हो सकता है। तो ये बात मुझे कुछ समझ ही नहीं आई एंड मुझे लगा ये रीजन होना कि आप परफेक्ट हैं इसलिए आप घर के अंदर नहीं जा सकते, ये रीजन मुझे थोड़ा सा स्टूपिड लगा। यहाँ पे बात हो रही थी कि ये ऑडियंस का शो है एंड ऑडियंस विल डिसाइड जो भी है, वहां जाके इवेंचुअली ज्यूरी को अलग ही करी थी। पुनीत के साथ भी यही हुआ, फुकरा इंसान के साथ भी यही हुआ। अगर आप बात करो अभी भी अंदर कुछ ऐसी वाइब है, बाहर इंटरनेट पे तो फुकरा के लिए भी ऐसी चल रहा है कि यूट्यूब वर्सेस बॉलीवुड एंड यू कमिंग फ्रॉम बॉलीवुड बैकग्राउंड, व्हाट डू यू थिंक? सोचिए, मैं तो मिली भी नहीं पुनीत से, पुनीत तो एक दिन में ही बाहर आ गए थे और मैं तो उसके बाद एंटर हुई थी। इनफैक्ट मैं मिलना चाहती थी क्योंकि बहुत सुना था मैंने, और मैं स्टेज पे थी जब उनकी एंट्री हुई, मैंने देखी उनकी पूरी एंट्री, एक उनका वाइब था जो जैसे करते हुए वो आए एंट्री करी, तो मुझे तो लग रहा था। और कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स है तो हम लोग को इनडायरेक्टली हम एक दूसरे को जानते हैं, तो मैं एक्साइटेड थी कि चलो किसी को तो मैं अंदर जानती हूँ। और पर ऐसा हुआ ही नहीं, जब मैं गई वो ऑलरेडी बाहर थे, मैं 2 दिन लेट गई तो मेरा तो उनसे मिलना ही नहीं। वैसे जो आपने ये परफेक्ट होने की बात करी, सलमान ने भी, मुझे याद है वहां पे बात चल रही थी कि उन्होंने ज्यूरी भी थी जो सलमान भी थे, उन्होंने बोला कि आप बहुत ज्यादा परफेक्ट हो, फ्लॉलेस हो, और अंदर भी जब आप गए तो सब लोग ये बोल रहे थे कि आपका बाल भी एकदम हमेशा परफेक्ट रहते हैं, आप जो भी करते हो एकदम बेस्ट करते हो, बट एक चीज में आप अच्छे नहीं हो, किस में? एज पर जैट, जो उन्होंने बोला। तो व्हाट डू यू थिंक, सलमान की बात सही है फिर जैट की बात सही है?